चांदी का सिक्का 1 रुपया ऐसे फेंक कर चढ़ाया, सो मंदिर की ड्योढ़ी से टकराया, वहीं गिर गया। टकरा कर वहीं जहाँ वो सज्जन खड़े थे हाथ जोड़े, और 2-4 लोग खड़े थे उनके पाँव के पास पैसा पड़ा। अब उन्होंने इधर उधर देखा, ऐसे देखा, अब झुक तो सकते नहीं थे, उठा सकते नहीं थे, तो उन्होंने प्रार्थना करते में पाँव बढ़ाया आगे और पाँव के नीचे वो दबा दिया सिक्का, पाँव के नीचे सिक्का, और कह क्या रहे थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नहान। और पैसा पाँव के नीचे। एक सज्जन अकेले, पूरे परिवार में अकेले, एक नया, कोई एक आदमी नहीं, और 20 लाख बैंक में, महाराज एक नया पैसा कभी खर्च न करे न सोचे, और मंदिर में रोज जाए, भगवान को प्रणाम करे, हाथ जोड़ खड़ा हो जाए और यही कहे, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। एक महात्मा जानते थे, तो महात्मा भी बड़े विनोदी, जैसी उसने कहा, नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, सो महात्मा क्या बोले, 20 लाख हैं बैंक में, सो नहीं जानत राम। अरे भाई, हम लोग प्रार्थना, अब कुछ लोग क्या कहते हैं, महाराज हम तो अपने माता पिता को ही भगवान मानते हैं, हमारे लिए वे ही है सब कुछ, वही है, हम नहीं मानते और भगवान, और न कहीं हम किसी, न किसी तीर्थ में जाए, न धाम में जाए, न भगवान तो वही। और दूसरे वे लोग कहते, हम तो भगवान को मानते हैं, माता पिता जाने उनका काम जाने, हमें कोई लेना देना, हम तो बस भगवान। कितना कीर्तन करेंगे, और जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, और जय माता दी, और घर में माता जी रो रही है। ये दोनों बातें ठीक नहीं है। बोले, दोनों बातें क्यों नहीं ठीक, हमको इसलिए ठीक नहीं है। एक सज्जन साधु हो गए, उनकी माता जी उनसे मिलने आए, तो माता जी आई ऐसी बैठी, वो ऐसे बैठी जैसे जानते ही ना। लोगों ने बड़ी परवाह, क्या स्वाद, माता जी आई, मैं देखा था, माता जी आई देखा था, पर यह नियम नहीं है। हमारे आद्य शंकराचार्य भगवान ने व्यवस्था दी है कि दंड ग्रहण मात्र नरो नारायणो भवे, दंड ग्रहण कर लेने से नर नारायण रूप हो जाता है, और ऐसे के सामने जन्म देने वाला पिता भी आए तो प्रणाम न करे, दंड से करे, लेकिन ऐसे सन्यासी के सामने जन्म देने वाली जननी आ जाए तो उसे दंड एक और लगकर माता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करना चाहिए। माँ माँ होती है, माँ तो सबकी माँ होती है, इसमें मुझको क्या कहना है, यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना है। इसलिए जिनके कारण हम संसार में आए उन माता पिता को मानना चाहिए। अच्छा, अब एक बात और है, हमारा जन्म इन माता पिता से हुआ कि भगवान ने हमें जन्म दिया। मानस में लिखा, जन्म ही तो सब कहां पितु माता, जन्म के कारण तो माता पिता है। लेकिन तुलसीदास जी कहते, कवों की कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेत श्री, भगवान ही कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। तो मुझे लगता है कि मनुष्य शरीर का जन्म होते ही हमारे 2 जन्म होते हैं, एक तो इस शरीर का जन्म होता है और एक उसका जन्म होता है जो इस शरीर के भीतर होता है।
शरीर का जन्म होता है, दूसरा जन्म उसका जो शरीर के भीतर होता है। और मुझे लगता है शरीर का जन्म बिना माता पिता के नहीं हो सकता, और शरीर के भीतर जो है उसका जन्म बिना भगवान के नहीं हो सकता। इसलिए शरीर जब तक है माता पिता की संभाल करनी चाहिए, शरीर से शरीर की संभाल करो, और जो शरीर के भीतर है उससे भगवान का स्मरण करो। भगवान माता पिता है, इसलिए दोनों को मानना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि माता पिता को मानना धर्म है और भगवान को मानना परम धर्म है। ये धर्म से भी परे परम प्रेम की दशा है। प्रभु सी नगर की।